तो अभी हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि CSS में हम लोग अलग अलग फॉन्ट किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं H1 टैग बनाता हूं और यहां पे मैं दे देता हूं माय हेडिंग, और उसके बाद मैं कुछ पी टैग बनाता हूं और पी टैग में दे देता हूं माय दिस इज माय पैराग्राफ, GREPH। ओके, इस फाइल को मैं लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूं अपने पास ताकि मैं देख सकूं। अब देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास नॉर्मल फॉन्ट यूज हो रहा है। अभी हमारे पास ये क्या यूज हो रहे हैं, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट यूज हो रहे हैं। माई का मैं एम बड़ा कर देता हूं यहां पर। ये हमारे पास क्या यूज हो रहे हैं, नॉर्मल फॉन्ट यूज हो रहे हैं। पर अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट में देखा होगा कि आपको अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट दिख रहे होते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट दिख रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले फॉन्ट्स को किस तरह से देखना है, फॉन्ट्स को किस तरह से चेंज करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि वेबसाइट में फ्रंट एंड का काम हो, चाहे CSS का काम हो या कुछ भी काम हो, बेस्ट वेबसाइट क्या है, कौन सी है जहां से आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हो। अगर कोई चीज आपको जहन में नहीं हो तो आप गेस कर सकते हो। सीखने के लिए बेस्ट वेबसाइट क्या है, W3 School। बिल्कुल सही है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं सबसे पहले यहां पर W3 School पर जाके चेक कर लेता हूं कि हमारे पास कौन कौन से फॉन्ट्स के स्टाइल अवेलेबल है, क्योंकि यहां पे हम लोगों के पास, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉन्ट को, वेट अ सेकेंड, तो ये आपके पास मोस्टली सारी CSS है, इसमें से हम आधे से ज्यादा चीजें कर चुके हैं। कमेंट्स किस तरह से देने हैं, बैकग्राउंड कलर किस तरह से देना है, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, बॉक्स मॉडल, ये सब चीजें हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो फॉन्ट्स पर जाते हैं। अब हमारे पास ये आते हैं, हमारे पास फॉन्ट के स्टाइल अलग अलग आ रहे हैं। अब हमारे पास फॉन्ट्स के, हमें फॉन्ट्स अप्लाई करने के लिए इस तरह फॉन्ट्स फैमिली के नाम देने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, हमें फॉन्ट फैमिली का नाम देना पड़ेगा। तो हम लोगों के पास कौन सी CSS की प्रॉपर्टी है, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का नाम देके, मैं फॉन्ट फैमिली का नाम देके यहां से फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी चूज करके यहां से कोई सी भी फॉन्ट फैमिली चूज कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे बॉडी टैग के लिए यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग यूज करके, ग्लोबल स्टाइल यूज करके बॉडी के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए स्टाइल अप्लाई करता हूँ। तो मैं क्या चूज कर रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली। अब यहाँ पे हमारे पास बेटा सेकेंड, अब ये देखो यहाँ पे अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो आपके पास ये सारे जितने भी फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल हैं वो सब आपको दिख रहे हैं। ये स्पेशल फीचर है किसका, ये स्पेशल, ये जो नॉर्मली अगर आप किसी और एडिटर में जाके लिखोगे, लेट सपोज अगर आप किसी और एडिटर में लिखते हो तो वो आपको ये फॉन्ट फैमिली के नाम नहीं दिखाएगा, वो ये आपको नाम नहीं दिखाएगा। जी कंट्रोल स्पेस से किया मैंने ये। अगर आप किसी नॉर्मल एडिटर में लिखते हो, अगर आप लेट सपोज वीएस कोड यूज नहीं करते हो, लेट सपोज आप वीएस कोड यूज नहीं करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का नाम मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। पर वीएस कोड बहुत स्मार्ट है और मैंने वीएस कोड इसीलिए आप लोगों को सिखाने के लिए सिलेक्ट किया था क्योंकि ये हमें, हमारी बहुत हेल्प करता है। अगर आपको स्पेलिंग याद नहीं है या आपको नाम याद नहीं है कि कौन कौन से फॉन्ट अवेलेबल है, टेंशन नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है। कंट्रोल स्पेस प्रेस करो, आपके पास जितने भी फॉन्ट्स हैं ये सब आ गए। लेट सपोज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जॉर्ज न्यू टाइम। अब यहाँ पे हम अपने जाके पेज को चेक करते हैं, अब यहाँ पे जाके अपने पेज को चेक करते हैं। इसको मैं किसी अलग ब्राउजर में खोलता हूँ, वेट अ सेकेंड, पेज सिलेक्ट। अब ये देखो हमारे फॉन्ट के अंदर कुछ माइनर चेंजेस आई हैं, अगर आप लोगों ने नोटिस की हो तो। लेट सपोज मैं इस लाइन को पहले कमेंट करता हूं ताकि आप लोगों को चेंजेस, ये देखो पहले हमारे पास फॉन्ट किस तरह से थे, ये हमारे पास पहले के फॉन्ट है, ये हमारे पास क्या है, पहले के फॉन्ट है। आफ्टर फॉन्ट फैमिली अप्लाई करने के बाद हमारे पास कौन से फॉन्ट आ रहे हैं, ये हमारे पास फॉन्ट फैमिली अप्लाई करने के बाद में कोड आ रहे हैं। ओके, एक सेकेंड सबूर, आपका सवाल सर ये टाइपिंग चेंज करता है खाली, वेट अ सेकेंड, फॉन्ट स्टाइलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है।
ओके तो उसके बाद आगे हम लोग आगे चलते हैं, हम लोगों के पास आगे है हमारे पास, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ, लेट सपोज इस पैराग्राफ के नीचे मैं एक डिव बनाता हूँ, लेट मी क्रिएट एन डिव, और मैं डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ जैसे कि माय डिव, सही है। तो मैं इस डिव को एक क्लास दे देता हूँ, लेट सपोज क्लास इसको मैं दे देता हूँ माय डिव क्लास दे देता हूँ मैं इसे, और इस क्लास के लिए मैं कुछ ऊपर कोड कर लेता हूँ, डॉट माय डिव, और यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले विड्थ, मैक्स कंटेंट, हाइट, मैक्स कंटेंट, उसके अलावा पैडिंग, पैडिंग लेट सपोज मैं चूज कर लेता हूं 20 पिक्सल, मुझे 20 पिक्सल अंदर की तरफ पैडिंग चाहिए, और बैकग्राउंड कलर मैं चूज कर लेता हूं लेट सपोज येलो। अब ये मेरे पास एक डिव आ गया, ये तो नॉर्मल था, ये तो हम लोगों ने नॉर्मली पहले भी किया हुआ है, इसमें कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं है, ये तो हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। इसके बॉर्डर राउंडेड बनाने, बॉर्डर राउंडेड बनाने हम लोगों ने पहले किया हुआ है, बॉर्डर रेडियस लेट सपोज लेट से 10 पिक्सल, बॉर्डर राउंडेड आ गए। पर अब जो चीज मुझे करनी है, मुझे इसके ऊपर होवर इफेक्ट लगाना है, पर होवर इफेक्ट के साथ मुझे क्या करना है, इस डिव का साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है। होवर इफेक्ट लगाने के बाद मुझे क्या करना है, इस डिव का साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है। लेट से मैं यहां पे होवर इफेक्ट लगाता हूं, डॉट माय डिव होवर इफेक्ट, होवर इवेंट, और होवर इवेंट के बाद मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं इसकी विड्थ हो जानी चाहिए, लेट से फॉन्ट का साइज हो जाना चाहिए, फॉन्ट साइज हो जाना चाहिए लेट से 20 पिक्सल, और उसके बाद विड्थ हो जानी चाहिए इसकी लेट से मैं कह देता हूँ 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज हो जाए मेरे पास, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए टील में, मुझे नहीं पता है कौन सा कलर है, बाकी चेंज हो जाए। ये तो एक नॉर्मल इफेक्ट है। अब अगर मैं यहां जाके इस पे करता हूं तो मेरे पास ये इफेक्ट इंस्टेंटेनियसली फील हो रहा है, ये इफेक्ट का क्या आ रहा है, एकदम ये इफेक्ट आ रहा है। पर अक्सर वेबसाइट में आपने देखा होगा इफेक्ट एकदम अप्लाई नहीं होता, इफेक्ट स्लोली अप्लाई होता है, जिस तरह एनिमेशन होती है, अगर इफेक्ट स्लोली अप्लाई होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर ये इफेक्ट एकदम अप्लाई होने की बजाय स्लो अप्लाई होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कम ऑन रिप्लाई। तो मैं यहां क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे यूज कर सकता हूं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के बाद मैं यहां पे लेट से ट्रांजिशन कह देता हूं 2.0 सेकेंड, जस्ट इनफ 2 सेकेंड की मैंने ट्रांजिशन लगा दिया। अब मैंने क्या बोला है कि जो भी तुम्हें होवर इफेक्ट अप्लाई करने हैं उसे 2 सेकेंड के, उसे 2 सेकेंड तक बढ़ाओ। अब ये देखो ये होवर इफेक्ट क्या हो रहा है, अब ये कुछ स्लो इफेक्ट हो रहे हैं, तो क्लियर है यहां तक। ट्रांजिशन क्या करता है, ट्रांजिशन आपके अगर मुझे इसको थोड़ा सा और डिले करना है, अगर लेट से मुझे इसको थोड़ा सा और चेंज करना है, अगर आपको फील नहीं हो रहा तो मैं इसे 5 सेकंड तक कर देता हूं, और मैं यहां पे विड्थ के साथ हाइट भी इंक्रीज कर देता हूं इसकी, ताकि हमें कंप्लीटली फील हो हाइट 100%, और मैं यहां पे पैडिंग भी चेंज कर देता हूं, कुछ पैडिंग भी इसकी लेट से मैं कर देता हूं 50 पिक्सल। अब चीजें ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं मैं। अब ये सब चीजें देखो, अब ये क्या हो रहा है, अब ये सारा इफेक्ट 5 सेकंड तक डिले करेगा, 5 सेकंड में ये सारा इफेक्ट अप्लाई होगा, अगर मैं रिमूव करूंगा तो भी 5 सेकंड में अप्लाई होगा। क्लियर है, यहां तक जो भी मैंने कोड किया है ओके, वेट अ सेकंड, वीडियो की लेंथ, इस लाइन के लिखने का मतलब ये है कि जो भी होवर इफेक्ट हो, जो भी चेंजेस हो उसको 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट करो। बिल्कुल होवर इफेक्ट इसके अप्लाई करता है। क्लियर है यहां तक चीजें, क्लियर है
यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, अब इस ट्रांजिशन को और ट्रांसफॉर्मेशन को, अच्छा एक और चीज होती है, एक हमारे पास ट्रांजिशन होती है, एक हमारे पास होती है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, लेट्स से मैं यहां पे कह देता हूं ट्रांसफॉर्मेशन मैं क्या कह रहा हूं, मैं ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा हूं रोटेट करो 180 डिग्री पर। अब यहां पे मुझे डिग्री पास करनी होती है। अब ट्रांजिशन क्या होता है, अब पहले तो ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन तक का डिफरेंस पता होना चाहिए। ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन होता है कि आपको जो कुछ भी इफेक्ट देना है वो इतने सेकंड में हो, मतलब सिर्फ इफेक्ट आ रहा है, उसकी आप शक्ल चेंज नहीं कर रहे हो, उसकी आप पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, आप किसी भी चीज की, लेट से मैं इस देव का, अभी यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन, मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक सेकंड के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि बाद में कंप्लीटली समझ आए। अच्छा, अब क्या यहाँ पे मेरे इस डिव की पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है इसकी? कम ऑन, रिप्लाई नहीं, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ये अपनी जगह पर खड़ा रह करी जो भी इसको इफेक्ट अप्लाई करने हैं वो इफेक्ट अप्लाई कर रहा है। इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। क्लियर है? इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। पर लेट सपोज अगर मुझे इस डिव को, अगर मैं चाहूं कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं मेरा डिव भाग के इधर आ जाए, मिडिल में आ जाए, फिर जब मैं डिव पे दोबारा क्लिक करूं तो डिव भाग के नीचे ड्रॉप डाउन में आ जाए, फिर मैं डिव पे क्लिक करूं तो डिव भाग के यहां आ जाए, और फिर क्लिक करूं तो डिव भाग के यहां आ जाए, मतलब मेरे क्लिक करने पर डिव इधर उधर भागना शुरू हो जाए पेज में, तो उसे क्या है, वो क्या होगा हमारा, वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्लियर है? देखो सबूर, डिव हमारा इसी पोजीशन पर, वेट अ सेकंड, मैं एनोटेट करके समझाता हूं तुम्हें।